जब गिरी रक्त की हो गई लाल धरा, एक पल में लिए अस्त्र था रक्त बीज खड़ा, नहीं किसी के हाथ है खप्पर नहीं खड़क तलवार, इस युग में बस चल रहा है रक्त बीज सरकार। रक्त बीज, रक्त बीज, रक्त बीज, रक्त बीज, देखना साले कद्दर काठी, उसी की भैंस जिसकी लाठी, देखना साले कद्दर काठी, उसी की भैंस जिसकी लाठी, जिसकी जितनी ऊंची बोली भरी है बस उसी की झोली, होगी खून की होली। मार दे गोली, 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 मार दे गोली। दास्तान है दो पीढ़ियों की, एक बाप और उसके बेटे की। यह भी एक अजीब सा इत्तेफाक ही था कि जिन पहलुओं ने कभी बाप की जिंदगी पलट दी थी, अब वही बेटे के जीवन पर भी छाने लगे थे, क्योंकि वो तो था रक्त बीज। होप फॉर द बेस्ट बिकॉज़ आई डिजर्व इट। राइट राइट या ऑफ कोर्स। एवरीबॉडी अटेंशन प्लीज, Today is a very special day for me and my dearest father. और वो बात क्या है? वो मेरे dad आपको खुद बताएंगे. Dad. Ladies and gentlemen, आज जबराल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक और माइलस्टोन हासिल किया है. गवर्नमेंट ने जो टेलीकॉम लाइसेंस हमें दिया है, उससे ना सिर्फ इंडिया में बल्कि एशिया की हर कंट्री में हम बिजनेस कर सकते हैं। Yes. पर डबराल साहब, हमने तो सुना इस डील में सत्यजीत रानावत आपको पूरी तरह से टक्कर देने आया था। देने तो आया था, पर ये लाइसेंस हमें हर हाल में मिलना ही चाहिए। अगर ये लाइसेंस हमें नहीं मिला तो मेरी जिंदगी की सारी कमाई, मेरा सारा पैसा जो जर्मन टेलीकम्युनिकेशन के एशियन कॉन्ट्रैक्ट को पाने की डिपॉजिट में हमने लगाया है, वो फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। सरकार के नए नियम के अनुसार जनता को सस्ती कॉल रेट मुहैया कराने के लिए आप सब लोगों को पर मिनट टॉक टाइम के हिसाब से बेट करनी है। आई बेट 30 पैसा पर मिनट। पहले ही आदमी ने रेट इतना गिरा दिया। जी बोलिए। 25 पैसे पर मिनट। इंटरेस्टिंग। 20 पैसे पर मिनट। 20 पैसा? सर रेट तो बहुत नीचे कर दिया इन लोगों ने। चिंता मत करो, हमारे 3 पैसा पर मिनट के रेट को कोई मैच नहीं कर सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, रिलैक्स। फिर तो आपको बहुत टेंशन हो गया होगा। हाँ, इसीलिए मैंने तय किया कि मैं 5 पैसा पर मिनट की बिट लगाऊंगा। वी विल चार्ज 3 पर मिनट। एब्सोल्युटली फ्री। हम अपने कंज्यूमर से फोन पे बात करने का कोई चार्ज नहीं लेंगे।
that will be completely free. Are you sure, Mr. Ajay? Mr. Dabral, can I lock your bid? Please, because we want the license as soon as possible. Okay, gentlemen. According to rules of government, Telecom Spectrum ka license Dabral Group of Companies ko diya jata hai. Congratulations, Mr. Dabral, and thank you all. Excuse me, Mr. Ajay, but can you tell me, अगर आप अपने कंज्यूमर्स को जीरो पैसा पर मिनट देंगे तो कमाएंगे क्या और कैसे? मिस्टर रणावत, जिस वक्त आपकी नजर टॉक टाइम पे थी, मेरी नजर टॉक टाइम के बजाय मोबाइल से होने वाले फ्यूचर बिजनेस पर थी. बैंकिंग, इंफॉर्मेशन, रिटेल, वेब ब्राउजिंग, क्या कुछ नहीं हो सकता आज के दौर में. एक SMS, आपके पैसे ट्रांसफर. Whether it's education, health, या फिर entertainment, every information or utilities are available on your mobile. और एक study के मुताबिक इस business pattern का महज 2.03% ही use हुआ है, and it's expected to grow 16% per annum. Mr. Ranawat, 16%. So now you can calculate the growth and the profit as well. Actually, इस तारीफ का असली हकदार अजय है. अच्छा, पर कहाँ है आपका अजय? Dad, ये रहे मिस्टर अजय. अजय, कहाँ हो तुम? सर, बस कुछ नहीं सर, ऐसे ही. बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? सर, अरे, अच्छा इधर आओ. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? I would like to make an announcement. आज से डबराल ग्रुप ऑफ कंपनीज के नए CEO होंगे मिस्टर अजय. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. बुरा हुआ, वाकई बहुत बुरा हुआ. क्या जेकब? किसका हक था उस शैंपेन पे? किसका? हमारे धर्म का और किसका? आज देखो पानी पी रहे. अरे अगर डबराल सर इतने प्यार से पिलाते तो पीते ना. संजना बेबी हाथों से गिलास देती तो मना कर देते क्या? या, थैंक यू मिस्टर बंसल. थैंक यू सो वेरी मच. हाँ, ओके. कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अजय. थैंक यू. सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा. क्या पता शादी के बाद फिर मौका मिले ना मिले. शादी? अभी तो दोस्ती ठीक है. करेंगे तेरे बाप का क्या, टल्ली होके गिर पड़ेंगे तेरे बाप का क्या. होल नाइट पार्टी करेंगे तेरे बाप का क्या, टल्ली होके गिर पड़ेंगे तेरे बाप का क्या. बोल बाला अपना बोल बाला, बोल बाला अपना बोल बाला. Come on friends, put your hands in the air. Scream and shout karo, car ka sheesha down karke music thoda loud karo. Bol bala apna bol bala, bol bala apna bol bala. Hmm.
पार्टी फुल टशन विस्की ज्यादा सोडा कम फुल ऑन मस्ती फुल टशन विस्की ज्यादा सोडा कम चीले ची भर जिंदगी को कल कहा तू और कहा हम जीतना अजय की विरासत थी क्योंकि उसकी रगों में जिस शख्स का खून दौड़ रहा था उसका नाम था अभय जाटव, जिसने कभी बीहड़ों पर राज किया था जहां की बोली ही गाली और गोली थी। ये लेके आए हो, ये क्या लेके आए हो तुम लोग? ए, कहां खबर मिली थी बे? घर में कहां है 2 किलो सोना और 10 लाख रुपया? यही थी ना? हाय! और तुम लोग लेके आए हो 0.5 किलो सोना और रुपया 1 लाख भी नहीं? हम अपनी अम्मी की कसम खा के कह रहे हैं सरदार, जो कुछ है सब यही है। झूठ बोलेगा साले तो ठोक दूंगा यही। कमाल सही कह रहा है सरदार, बस इतना ही माल मिला है, फिर पुलिस आ गई और हमें भागना पड़ा। बेचारे कलवार मदर भी मारे गए। तो अपनी गलती से ना मर गए बे? पुलिस वाला कौन सा गोली निशाना लेके चला है? अब पुलिस की गोली के सामने आके खड़े हो जाओगे तो घुस जाएगी, इसमें हम क्या करें? तुम लोग का फोता पिए इसमें, इसमें का दे तुम लोगों को? हम हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये गिरोह कैसे चलाएं। गहना तो बिकेगा 50,000 में, रुपया कितना है? 70,000, कुल 1,20,000। चलो ठीक है, आधा निकाल दो गिरोह चलाने के लिए, बाकी कितने बचे? 60,000, आधा हो गया इसमें सरदार का, बाकी 30,000। तो बंदूक और गोली का खर्चा इसमें से निकाल दो, बाकी कितने बचे? 15,000।
12 डकैत गए थे डकैती करने, 2 लौटे नहीं, यानी कि आए 10। 1500-1500 रुपया हर एक के हिस्से में। समझ गए भाई, 1500-1500 रुपए। 1500 रुपए में क्या होगा सरदार? अरे हम तो कितने महीनों से बता रहे हैं कि हमारी बहन का ब्याह है। सरदार हमें भी पैसा भेजना है अपनी अम्मी के इलाज के खातिर। अबे साले, जो तुम लूट के लाओगे उसी में से तो देंगे ना, कि दोनों रुपया हम है कि हाथ फैलाओगे हम भर देंगे। शिवराम हम जा रहे हैं, किराया तो दे दो। 3000 दे। जी। तू क्या देख रहा है, चल 1500-1500 दे इन सबको। जी सरदार। हम लोग अपनी जान पर खेल के डाका डालते हैं तो 1500 और उस के साथ एक रात सोने के 3000। अरे रखो 1500, डाल देना वही गुल्लक में। अबे ए साले, इधर आ, इधर इधर। सरदार से बात करने की तमीज भूल गया क्या भाई? हमारी अम्मी बीमार है, हम पैसा नहीं भेजे तो। अरे पैसा चाहिए तेरे को, ये ले। कमाल की जान ही ले लोगे क्या? छोड़ बेटी, बेटी छोड़। तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारा आदमी है तो तुम ही से तो पैसा मांगेगा। छोड़। अच्छा तो अब तू मुझे सिखाएगा कि गिरोह कैसे चलाते हैं आप? अरे पैसा ही तो मांग रहा है उसकी अम्मा। हरामखोर, कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है तेरा, भूल गया वो दिन आया था गिड़गिड़ाते हुए मदद करो मदद करो, भूल गया? शिवराम सरदार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हम तेरा बदला पूरा करवाए और तू मेरा हाथ पकड़ने लगा है, आंखें दिखाने लगा यार। हम खाली ये समझाना चाहते हैं। तू समझाएगा मुझे, तू समझाएगा। गाली मत दे। बहुत उड़ने लगा है तू, कल का लौंडा साला, आज तेरी औकात सबके सामने बताता हूं मैं, कुत्ता बना के रखूंगा इधर, कुत्ता। हट 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 हट। तू मुझे मारेगा, सरदार शिवराम को मारेगा। Yeah!
ऑपरेशन को मैं डिटेल्स में बाद में बताऊंगा। ओके राइट। तकरीबन 2 घंटे घमासान गोलियां चलाए। पुलिस वालों ने अपनी जान की बाजी लगाकर एक कामयाब हासिल की। एक गोली चलाए नहीं पर बातें सुनो इनकी। अबे गधे, तारीफ तो हम लोगों की ही कर रहे हैं ना, इनाम लेना है कि नहीं? नमस्कार। बस बस बस, चलिए पीछे चलो। हाँ तो अम्मा जी बताइए क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि पानी नहीं मिलता है। क्यों रे शिवनंदन? हो जाएगा साहब, सब हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, होना चाहिए आज अभी इसी वक्त। जी बहुत विनती की। हाँ माया जी, हमारी भी सुनवाई नहीं हुई। आज से होगी। चलो अपनी अपनी दीजिए अर्जियां, फिक्र मत करना, ये सब पड़ी जाएंगी। अरे अपने बारे में सोचें या उनके बारे में सोचें, अपना पॉलिटिकल करियर भी तो है। हा? जी अब आए जाटव। जी साहब। ये अभय जाटव, ये लड़ने के बहुत चर्चे हो रहे हैं, जानते हो क्या? नहीं साहब। नहीं जानते? जा पता लगाओ अभय जाटव क्या चीज है। ठीक है, जानना चाहते हैं। पापा मुझे यहाँ से ले चलो। पापा ले चलता हूँ, मैं ले चलता हूँ। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ पापा, यहाँ से चल। शहर जाके वजन करवा लेना, 2-4 किलो बढ़ गया होगा। ये रखो, पूरे 5 है। सड़क तक छोड़ाओ। जल्दी जल्दी चल। माल को देखते हुए खतरा तो कम ही है दादा। क्या हो गया? कुछ सोच रहे हैं हम, सब हमें मिलकर सरदार बनाए हैं, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, करना पड़ेगा कुछ, कुछ तो करना पड़ेगा जिसमें सबका भला हो। आज से हर आदमी को महीने का 5,000 रुपए तनख्वाह मिलेगा। तनख्वाह देने के बाद उस महीने का जितना रुपया बचेगा उसका आधा गिरोह के खर्चे पानी गोली असलाह में खर्च होगा। बाकी में से आधा शिवराम सरदार रख लिया करता था, हम सिर्फ 20% लेंगे और बाकी सब आप लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। किसी के घर में शादी ब्याह हो या कोई बीमार हो उसकी पूरी मदद की जाएगी। और सबसे जरूरी बात, अब से हम लोग डाका नहीं डालेंगे। ऊ का है दद्दा? डाका डालने में सबकी जान को खतरा रहता है, गांव वालों से दुश्मनी भी बढ़ती है। आज से हम लोग 3 काम करेंगे, अपहरण, फिरौती और राहजनी। खतरा कम माल ज्यादा, ये बात हमारे भाई लल्ला हमारे दिमाग में डाले हैं। अपहरण और फिरौती के लिए हम लोगों को दूर दूर शहरों में अपना जाल फैलाना होगा और इस काम में हमारी मदद करेंगे गांव के लोग। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, आप हमारा साथ दीजिए, हम आप लोगों की मदद करेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई झगड़ा फसाद हो, हम लोगों को खबर करें, पूरा मदद किया जाएगा। हम इस गांव के प्रधान हैं अवध नारायण, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे घर पधारें, बड़ी कृपा होगी आपकी। चलो भाई चलो। दादा मेरे कुछ रिश्तेदार रहते तिंदुला गांव में, अगर आप कहते तो मैं मिलाता हूँ। हम लोगों के रिश्तेदार ना ही हो तो अच्छा है, तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? जी दादा, पर वो दादा ले जाके बांध पीछे। आओ अंग्रेजी मास्टर, चिट्ठी लिखो, तुम्हारा लड़का हमारे पास है,
दद्दा अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में दम होता है। तुम्हारा लड़का योर सन हमारे पास है, बी हैव योर सन बी हैव। तू पांचवी तक अंग्रेजी पढ़ लिया है तो दुनिया में हर कोई को अंग्रेजी आ गई है, हिंदी में लिख जी सबके समझ में आए। जी दद्दा। डियर सर, डियर सर। अबे कमाल है, रोहित गाजियाबाद में किडनैप हुआ और ये चिट्ठी अब है जाटो डकैत के यहां से, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फोटो भी तो भेजा है, मेरे बेटे को अब है जाटो ने ही किडनैप कर रखा है। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ भाई साहब, आप ये लेटर पुलिस को दिखाइए। नहीं नहीं, वो मार डालेगी मेरे बेटे को, जैसा लिखा है वैसा ही कीजिए। बैग में रुपए डालकर नुक्कड़ वाले बनिए की दुकान पर जाना, वहां एक साइकिल खड़ी मिलेगी, बिना होशियारी किए चुपचाप उसको उठाकर निकल जाना और फिर सीधे हलवाई की दुकान पर रुकना, उसको पैसे देना और उससे डब्बा लेकर सीधे नाके वाले मंदिर पहुंचना। वहां पुजारी तुमको रास्ता बताएगा, बस वहीं चल पड़ना। मेरे आदमी हर जगह से तुम पर नजर रख रहे होंगे। पचानवे छियानवे सतानवे अट्ठानवे निन्यानवे सौ। बीस साल पहले अभय जाटव बीहड़ों का एक जाना पहचाना नाम था और आज मुंबई की कॉरपोरेट दुनिया में अजय कामयाबी का दूसरा नाम है। इसके डिटेल्स जल्दी ही डिस्पैच करवा दीजिए। ओके सर। ये लॉन्च होने वाले मोबाइल कंपनी का कंप्लीट मार्केटिंग प्लान है सर। सिद्ध धर्म सिद्ध। यस सर। तुम मुझे सर मत कहा करो, मेरे कहने का मतलब है एक्चुअली तुम्हारा मुझे सर बोलना अच्छा नहीं लगता। बट आफ्टर ऑल यू आर माय बॉस नाउ। दैट इज करेक्ट, लेकिन तुम मेरे सीनियर हो। एनीवेज सी दिस, द थिंग इज वर्ल्ड फेमस फ्रेंच कॉस्मेटिक कंपनी ला हेवन जो कि एंटायर यूरोप में ये हेयर रिमूवल जेल सप्लाई करती है, अब इंडिया में इसे लॉन्च करने जा रही है। एंड यू विल बी ग्लैड टू हियर कि इस कंपनी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग का सारा कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल गया है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज सर। फॉर द एड शूट ऑफ दिस प्रोडक्ट वी नीड अ ग्लैमरस एंड एन एक्सट्रीमली बोल्ड मॉडल। नो प्रॉब्लम, आई विल फाइंड आउट। गुड। मेरे एक फ्रेंड का प्रोडक्शन हाउस है और उसका म्यूजिक वीडियो का शूट भी चल रहा है। मैं जी पता करता हूं। ग्रेट।
आज फिर मुझे वैसे ही सपने आए। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? बार बार एक जैसी जगह, एक ही जैसे लोग क्यों दिखाई देते हैं? हो सकता है कि तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता हो। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, फिलहाल बस इतना समझ लो कि कोई अधूरी ख्वाहिश है जो तुम्हें तुम्हारे अतीत की ओर खींचती है। अधूरी ख्वाहिश? हाँ, तुम्हारी माँ भी शायद यही चाहती थी। उस बीहड़ से शहर तक का एक लंबा सफर तय करके मैं तुझे यहां ले आई ताकि तू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, एक कामयाब इंसान। यस, ओके। I'm late for the meeting. अरे हाँ, वो फौजदार इंडस्ट्रीज के यूनियन लीडर से डील फाइनल हुआ? यस सर। गुड। वो नेक्स्ट वीक से वहां स्ट्राइक करवाने वाले हैं। क्यों? नेक्स्ट वीक से क्यों? धर्म, यू नो मैं किसी भी, अभी बात करो उसे, जो मांगता उससे ज्यादा दो, लेकिन स्ट्राइक आज से ही होनी चाहिए, समझे? ओके सर। हाँ, वो जेनिफर से कहना कि मैं वीकेंड फार्म हाउस पे स्पेंड करूंगा। कह दूंगा सर जेनिफर से। इतनी जल्दी? मिस्टर अजय, पार्क के पूरे 3 चक्कर लगाए हमने। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे बाप रे, 8:30 बज गए। तो मेरी 10 बजे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और तो और फिर उसके बाद मुझे एक एड शूट पे भी जाना है। मिस्टर सीईओ, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम कहीं नहीं जा सकते। संजना, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वही तो मैं करते आ रही हूँ। अजय, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, जबकि तुम एक साथ 2 लोगों से प्यार करते हो। 2 लोगों से? जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, एक मैं और दूसरा तुम्हारा जॉब। बोलो ना, आई एम करेक्ट? यू आर करेक्ट, लेकिन संजना मुझे जाना ही होगा, नहीं तो मैं वाकई में लेट हो जाऊंगा। प्लीज। अगर ऐसे ही है तो पहले पेनल्टी फिर परमिशन। पेनल्टी? अरे बुद्धू। बुक्स खोलो अपनी। शिरिन, इधर आओ। आप कॉपी नहीं लेकर आए? अच्छा, एक काम करो, ये लेसन हमने पढ़ा था ना कल, जाओ ये पढ़ो, ठीक है? दीदी, तंग मत करो, हम पढ़ा रहे हैं। देखो ये क्या है। क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर? सच? ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, जॉइनिंग लेटर है, इसलिए बोलती हूँ मेरे पास ट्यूशन ले लो, कुछ तो अकल आएगी। अरे ये मुझे तो पहले से ही पता था, ये नौकरी आपको ही मिलेगी। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या है, दिखा जरा, दे इधर। ये क्या है? माँ, ये जॉइनिंग लेटर है, हमें हमें नौकरी मिल गई है, कंपनी ने बुलाया है। माँ, ले अपनी नौकरी। रहा था
अरे डाकू चलो, चलो। बचा ही तो रहे हैं। ये पहन के घूमोगे तो ये पुलिस तो तुम्हें डकैत समझेगी ही समझेगी। इन सालों ने तुम्हें डकैत समझ लिया है। अभी ठीक करते हैं इनको। लगता है यहाँ पर और भी डकैत हैं। चलो। अरे, इतने बड़े घोड़े हो गए और इस छोटे से घोड़े से डर रहे हो? कैसे आदमी हो तुम? आदमी कौन है यहाँ पे? आदमी कौन है? मेरा मतलब है कि मैं डरता वरता नहीं हूँ। वो तो गांधी जी ने कहा है कि जीव हत्या पाप है। हाँ हाँ, सच सच बताओ तुम कौन हो? नाम क्या है तुम्हारा? पूनम। दद्दा बोलो, कुरानटडी में हमारे रिश्तेदार है, इस बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, आप मिलना चाहेंगे उनसे? ये पूनम की नियति का फेर ही था कि डाकू अभय उसे देखते ही उसका हो गया। जिस तरह बाप की जिंदगी में पूनम आई, उसी तरह बेटे अजय की जिंदगी में आई प्रिया। I am a silk girl, very silky and sensational. If you want to feel silky sensation like me, just use Sensationia hair removing gel. Cut it! Okay! Very nice, Priya. If you want to feel silky sensation like me, sir, just use. ये मैं हूँ. Oh my God! I just can't believe, sir. Ready? Next shot. Come, Priya. Okay, sir. Well, Priya. It's a close shot. तो आपके चेहरे पे एक sensuous feeling आनी चाहिए कि लोग कहें वाह क्या बात है। Are you ready, Priya? Yes, sir. Mic up, ready for take. Silence and action.
दुनिया के काम, ओ मैं भी खास नहीं तू भी आ, होते रहेंगे दुनिया के काम, ओ मैं भी खास नहीं तू भी आ, नहीं चल बस एक रात को सुबह सूत्रों के अनुसार अभय जाटव ग्रुप के पास इस वक्त 100 से ज्यादा पकड़ हैं, जिन्हें विभिन्न राज्यों से अपहृत किया गया है। बीहड़ के किसी डकैत का जाल इतनी दूर दूर तक फैला हो ऐसा पहली बार हुआ है। और आज ये दल बीहड़ में सबसे बड़ा और खतरनाक गिरोह बनकर सामने उभर रहे हैं। सर, दिस आर अ टेरिबल मेनेस। सो रेडी, व्हाट डू यू सजेस्ट नाउ? वी नीड आर्म्स, अमरेशंस एंड बुलेट प्रूफ जैकेट्स। And for that, more money will be required, right? Sir, पैसा तो हम पानी की तरह बहा देंगे, लेकिन ये इलेक्शन हमें जीतना बहुत जरूरी है। आपका काम तो हो जाएगा। Yes, sir. पहले मेरा एक काम कीजिए आप। अरे रेड्डी साहब, अपना मुंह तो खोलिए। देखिए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आप अभय जाटव को यहाँ बुलवाइए। अभय जाटव? वो डाकू? हाँ। कोरंटा डीमोल पीछे छूट गया। काले जा रहे बे? आगे आके मालिक ने मकान बनवाया है, वहीं लेके जा रहा हूं आप लोगों को। अरे धन्य भाग्य हमारे जो शहंशाह हमारे घर पधारे। आई आओ, तुम्हें मिलवाते हैं। ये हमारे भाई हैं, वेंकटेश्वर रेड्डी। आओ बैठा जाए, बैठो आओ बैठ। अरे पुत्र, बोतल ला रे। तो महाराजा साहब, अगर आपने हमारा साथ दे दिया ना, ये चुनाव तो हम जीत के ही रहेंगे। अरे आप तो इस इलाके के शहंशाहों के शहंशाह हैं। अगर आपने फरमान दे दिया के लोगों को माया सिंह को ही वोट देनी है, फिर किसकी मजा आएगी वो हमको वोट ना दे? बोलिए तो। हाँ? पहले ये बताओ कि ये आदमी कौन है? सुनो, बहुत जल्दी तुम इस गिरोह की खास हो गई हो। जी अच्छा, सब चाहते हैं तुमको, लेकिन तुम किसे चाहती हो? हाथ छोड़ो हमारा। ये तो बता दो। हाथ छोड़ो हमारा। इस बिहड़ में औरतों का क्या इस्तेमाल होता है पता है ना? पूनम ऐसी नहीं है। ओए होए, लल्ला भी वैसा नहीं है। जब पुलिस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, फिर तुम हमसे क्यों दोस्ती करना चाहते हो? आपका जो वो बिहड है ना, उसमें पुलिस नौकरी करना कितना मुश्किल है, इसे कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता भाई। लेकिन नौकरी तो करनी है, डाकू मारनी है। हाँ, जब तक मैं यहां हूं, पुलिस वाले तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आएंगे। वैसे जो भी तुम्हारा दुश्मन हो, जिसे तुम खत्म करना चाहते हो, हमें खबर भेजो, हमारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारा। अब देखो अबे भाई, तुम्हारी जात और हमारी जात, उसके तो वोट मिल ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारे नाम का जो दबदबा है ना, अरे उसके बलबूते पे 15-20 विधायक तो जीत ही लोगे। हाँ, दद्दा का क्या फायदा है? हाँ? फायदा रुपया पैसा, और बीहड़ से जब तुम्हारा मन भर जाएगा ना, तो आ जाना हमारी राजनीति में। हाँ, रास्ते सब खुले होंगे तुम्हारे लिए, और फिर तुम्हारी जय जयकार होगी।
अबे जाटव जिंदाबाद। अरे मुंह क्या देख रहे हो, बोलो ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये बताओ करना क्या है। अरे वो सिटिंग एमएलए विधायक सबके नाक में दम कर रखा है, बहुत खतरा बन चुका है हमारे लिए। अबे भाई नाम क्या है उसका। कृपाल सिंह जिंदाबाद। कृपाल सिंह जिंदाबाद। कृपाल सिंह जिंदाबाद। हम जात पात की बात नहीं कर रहे। जब से हम जहाँ के मेले बने तब से कितने सड़कें बनी, कितने अस्पताल खुले और कितने हैंडपंप लगे। हम बात कर रहे हैं विकास की। अरे अभय, अरे भैया तुम तो जंगल में रहे, जहाँ कहाँ आए गए। अगर हम यहाँ ना आते तो तुम्हें जंगल आना पड़ता। अरे तो आए जाते, मांगो क्या चाहिए। मांगते भिखारी है बे, हम इस इलाके के शहंशाह हैं। हम हुक्म देते हैं कि तुम ये चुनाव नहीं लड़ोगे। किसने भेजा है तुमको। हमें कौन भेजेगा बे, हमारा काम खाली हमारी मर्जी से होता है। कृपाल सिंह को धमकाने आए गए। अरे देख क्या रहा है, गोली मार गोली मार। गोली चलाने के लिए हथियार नहीं, कलेजा चाहिए कृपाल सिंह। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आओ ऊपर बैठो। पूनम तुम बाहर जाओ। बस हो ही गया। सुनाई नहीं देता है क्या, बाहर जाओ अभी। अरे इतना डांटने की क्या जरूरत थी उसे, हमारा ख्याल ही तो रख रही थी। ख्याल ख्याल रखने के लिए हम काफी हैं। अब तो हमें भी आपका ख्याल रखना पड़ेगा, आखिर में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो दी है आपने हमको। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। हाय। हेलो। थैंकफुल तो हम हैं आपके, क्योंकि आपके उस एड शूट के कारण बहुत ही कम समय में उस जेल ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी जो पाली है। रियली? या। वाओ। फिर तो एक डिनर बनता है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, एनी टाइम। हाउ स्वीट।
वो मेरी एक दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और मैं? ओह, आई लव यू प्रिया, तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। मैं जानती हूं अजय, मैं भी तुम्हें उतना ही चाहती हूं जितना कि तुम मुझे चाहते हो। ये हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की तरह डायलॉग्स क्यों बोल रहे हैं? ये सब बातें कहने की जरूरत नहीं है। आई लव यू टू। इस वक्त किसका फोन है प्रिया? हाँ, मेरी फ्रेंड का है, लंदन से। हेलो, तुम्हारे बिना हाल बेहाल है बेबी। हेलो, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, ये हेलो हेलो क्या कर रही हो? हाँ बोलो, इतनी रात को फोन क्यों किया? कहाँ हो? मैं अपने घर में, और कहाँ? अकेली हो या और कोई है तुम्हारे साथ? इतनी रात को कौन होगा मेरे साथ? नहीं, वो इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि आजकल तुम अजय के साथ बहुत चिपकती हो ना, इसीलिए। जस्ट शट अप, क्या बकवास कर रहे हो? यू शट अप एंड लिसन टू मी। उस अजय के साथ ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, असल में कोई औकात नहीं है उसकी। प्यादा है प्यादा, दबराल ग्रुप ऑफ कंपनी का प्यादा। असली में तो मैं ही बैकबोन हूं कंपनी का। वो तो एक लंगूर है, लंगूर किस्मत का धनी लंगूर, जिस पर संजना लट्टू हो गई और डबराल ने सीईओ बना दिया। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो। साफ साफ सुनना चाहती हो तो मिलो मुझसे। हेलो, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, तुम पास रहते हो तो मैं कुछ और कैसे सोच सकती हूँ? ये क्या हंसी ठट्ठा चल रहा है? कोई काम धाम नहीं तुम लोगों के पास? जाओ जाके काम करो, जाओ। इस बुड्ढे की फिरौती आई कि नहीं आई? 2 महीने हो गए दद्दा, कई चिट्ठियां भेजी मगर कोई आया नहीं। तो कब तक खिलाएंगे इसको? जाओ जाके काट डालो इसको। मुझे मत मारो। अबे चुप है बुड्ढे, ये बता सोने के दांत कितने लगवाए तूने? 3। 3। अबे जगदीश एक काम करते हैं, इस बुड्ढे को मार के इसके तीनों दांत निकाल के 2 दांत मैं रखता हूँ, 1 दांत तू रख। अबे 2 तू क्यों? देख बे बड़ा कौन है तू? मैं बड़ा हूँ ना, तो मैं 2 रखता हूँ, तू 1 रख। लेकिन बड़ा कैसे? अबे कैसे क्या, चल बाहर निकाल। 1 मिनट। अबे बंदूक। अच्छा लेना। हाँ ये देख, किसका पड़ा है? मान गया ना? हाँ। तो 2 मेरे 1 तेरा। अरे सुनना। हाँ। देख देख, मैं एक बार में 10 को गिराता हूँ। हाँ। तू दिन भर हिलाता रहता है तो। हाँ। 2 मेरे 1 तेरा। अब यहाँ खड़ा हो। अबे जगदीश, ये बुड्ढा है तो बड़ा चालाक, साले को यही मार डालते। अरे नहीं यार, गलत है यार, गलत है यार। कैसे गलत? अरे यार मेरी अम्मा कहा करती थी कि मरने के बाद किसी के साथ गलत नहीं करना। सही बोल रहा है, पक्का? अच्छा एक काम कर। अबे जगदीश, अबे तेरा इतना छोटा? अबे मेरा छोटा तो मैं छोटा लाया, तेरा बड़ा था, तू बड़ा लाया। अबे वो बुड्ढा दिखाई नहीं दे रहा। अबे कहाँ गया? अबे कहाँ लगता है भाग गया। अबे भागा नहीं, ये रहा बुड्ढा। ओए ओए ओए, अबे बुड्ढा मर गया। अबे अबे तीनों दांत भी ले गया सोने के। मेरे 2 तेरे 1। अबे मेरे 2 तेरा 1। अबे मेरे 2 तेरे 1। अबे मेरे 2 तेरा 1। मेरे 2 तेरे 1। अबे साली किस्मत ही खराब है अभी इसकी तो। लेगा बुड्ढा।
Hey Priya, come on, come fast. तुम मुझे डबराल और अजय के बारे में कुछ बताने वाले थे? बता दूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है? हाँ, इतनी जल्दी? एक बात पूछूं, तुम इतने सालों से मेरे दोस्त हो लेकिन मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर रहे हो। अरे नो स्वीटहार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली डबराल को अजय पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया है आजकल। अच्छा, एक फाइल भी इधर से उधर हुई ना तो सारा शक मेरे ऊपर ही आएगा। फिर भी मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो धर्म? प्रिया के लिए थोड़ा रिस्क ले लो ना। एनीथिंग फॉर यू सीता। ओके, ये बताओ, ये जो नई लड़की आई है ग्रो में, इसका जगदीश के साथ कोई चक्कर है क्या? है, चक्कर तो होने दो, तुमको क्या? मगर हम ये अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, अगर छुट्टी मिल जाती तो। अम्मा की तबीयत खराब है तो हम कैसे रोक सकते हैं? जाओ, मगर जल्दी आ जाना। जी दादा, जल्दी आऊंगा। राम राम दादा। राम राम काका। ये अच्छा किया तुमने, हालांकि ससुरा अम्मा से नहीं लड़की से मिलने जा रहा है। किसी से मिले हमको क्या, हमने छुट्टी दे दी, हम काहे बुरे बने भाई। अच्छा काका, बाकी बातें बाद में करते हैं। दादा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ भैया जी, बोलिए। और सब बढ़िया चल रहा है? अरे भैया जी, जिसके पास अबे भैया हो उनको क्या परेशानी हो सकती है? और सुनो, तुम्हारा सामान पहुंच गया है, जब मर्जी हो ले जाओ। और एक बात, कुछ दिन बाद चुनाव प्रचार है, तैयार है ना? वो हम सब तैयार है। आज हम तुम्हें दूसरे काम से फोन किए हैं। कप्तान साहब को खबर कर दो कि जगदीश नाम का नामी डकैत तिंदोला गांव पहुंच रहा है आज ही, एकदम अकेला निहत्था। आज का दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। सो आई थिंक मुझे चलना चाहिए। आई विल सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय। बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। जगदीश, जगदीश। Yeah.
ये पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। मतलब तुम फिर चले जाओगे? आखिरी बार जाना पड़ेगा, बोल के नहीं आया। अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगा, तेरी कसम। ये लो लड्डू खाओ। लेकिन पापा, जिन लोगों ने आपके साथ इतना कुछ किया उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। ओ पापा, यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना। ओके पापा, बाय। पूनम, क्या हुआ, तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। बहुत दिन से एक बात हम अपने मन में दबाए बैठे हैं। क्या? जब से देखा है तुमको, बोरा से गए हैं। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। क्या देख रहे हैं छबीला? समय बड़ा बलवान है कजरी। हम माया सिंह के चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तुम लोग अपना काम ठीक से करना और लल्ला जो कहे वही बात मानना। अब भाई अपना ख्याल रखना। पूनम को वही इज्जत मिलनी चाहिए जो सरदार की बीवी को मिलती है। तुम फिक्र न करना, लल्ला तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। चलो कमाल, मुन्ना। अबे जाधव, काम हमारा हो जाना चाहिए।
काम हो गया समझा। धर्मेंद्र तिवारी, ये धर्मेंद्र तिवारी कौन है? सरदार, ये कौन है? जी, हमारे रिश्तेदार है धर्मेंद्र तिवारी। तो बाप तो हम हैं। जी जी, हम फरमान दिए हैं। जी जी सरदार, माया सिंह को ही वोट देना है। जी सरदार, बाप का कहना नहीं मानोगे? माफ कर दियो सरदार। माफ कर दें, जो कान हमारा फरमान न सुन पाए उनको माफ कर दे। सब लोगों को माया सिंह को ही वोट देना है। अभय जाटव जी, आप माया सिंह जी के लिए प्रचार क्यों कर रहे हैं? माया सिंह जी के लिए प्रचार क्यों कर रहे हैं? हम माया सिंह जी से मिले तक नहीं है, लेकिन जब वो प्रधान थे तो अपने गांव में अच्छा काम किए, इसलिए हम चाहते हैं कि वो चुनाव जीते और हमारे गांव के लोगों के लिए काम करें। सर, आपके ऊपर करीब 200 से भी ज्यादा केसेस दर्ज है, क्या आप बता सकते हैं कि अब तक आपने कितने कत्ल किए होंगे? क्या आप बता सकती हैं एक महीने में आप कितनी रोटी खाती हैं? आप सब लोगों को माया सिंह जी को ही वोट देना है। अब जाइए। अबे अभय, कौन है वे? ये सब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, बस तुम इतना समझ लो मैं तुम्हारा बाप हूं। सब पानी। अरे वो पानी वाले नहीं चाहिए, माया कहाँ है? एक घंटा से वेटिंग कर रहा हूँ। जी सर। अरे रेड्डी जी, जिंदगी में पहली बार आपको इतने गुस्से में देख रहा हूँ, बात क्या है? अब भाई का एनकाउंटर करने जा रहा हूँ, आपको बताने आया हूँ। अच्छा, मजाक कर रहे थे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन का टाइम है, अभय जाटव की सख्त जरूरत है हमें। हाँ, इलेक्शन एक बार हो जाने दीजिए, अभय जाटव को बाद में देख लेंगे ना। हाँ, फिर नहीं, अभी फैसला होगा। अभय अब मुझसे नहीं बच सकता, उसने मेरा आदमी को मारा है। रेड्डी, ये खादी जो है ना, ये ऑर्डर देती है, और ये खाकी जो है ये ऑर्डर पूरा करती है, समझे? अब जाओ तुम, मुझे और भी काम है। साला नेता की जात, देख लूंगा दोनों। ये रेड्डी को ट्रांसफर करने का कुछ प्रबंध करो, पागल हो गया है साला। बचने दो ना, इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है जान, वन मिनट। तू जब भी फोन करता है गलत वक्त पे ही करता है। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, जब अगली बार फार्म हाउस पे आऊंगा तो तेरे को भी साथ लेता आऊंगा। अरे तुझे कैसे मना कर सकता हूँ, तू ही तो इकलौता दोस्त है मेरा। अच्छा, बाद में बात करते हैं। अरे नहीं, वो मेयर साहब की पार्टी में जाना है, लेट हो रहा हूं। हाँ ओके। ये सब, इसका मतलब अजय ने संजना को शुरू से ही धोखे में रखा। यू ब्लडी, आई एम गोना किल यू। जिसको तुम प्यार करो वो हरामखोर किसी और को चाहने लगे,
तो आग लग जाती है बदन में, खून खौल उठता है। हम होते तो ससुरी पुनमवा को गोली मार देते। चुनाव खत्म हो गए हैं, दादा आएंगे, वो कुतिया फिर उनके साथ रंगरेलियां मनाएगी। बर्दाश्त कर पाओगी? दादा यहां नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का। क्या हुआ जीजी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ले जाओ। कोरांडाडी विधानसभा से श्री माया सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। अपने बधाई हो माया भाई, बधाई हो, चुनाव जीत गए। अरे भैया ये सब आप ही की खातिर हुआ है, आप ही की वजह से। पहना दीजिए। अरे मीठा लाओ, हाँ ये मुँह मीठा कीजिए, ये भाभी ना। अब तो काम खत्म हमारा, अब तो हमारे जाने का इंतजाम कर दीजिए। अरे अभी कहाँ जाएंगे, अभी तो जश्न का मौका आया है, रात में आप लट्टू फेराइएगा। हाँ, लट्टू।
तुझ पे लट्टू है गोरिया, अच्छारी सब तुझ पे लट्टू है गोरिया। मार्केट में पैसा न मांगे है बनिया, न मांगे है बनिया, न मांगे है बनिया। हाँ, बदले में चाहे है मेरी जवानिया, तेरी जवानिया रे तेरी जवानिया। मार्केट में पैसा न मांगे है बनिया, बदले में चाहे है मेरी जवानिया। सबका ईमान छिछोरा यहाँ पे, सबका ईमान छिछोरा, सबका ईमान छिछोरा यहाँ पे, सबका ईमान छिछोरा। किसिर सिरे किसिर सिरे किसिर सिरे लड्डू। चबीला लगता है नहाने गई होगी। क्या हुआ? कोई तुमको बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया भाई, मगर साफ साफ बताओ क्या हुआ। परसों की बात है। भाई हमें माफ कर दो भाई, भाई भाई हमें माफ कर दो भाई, भाई भाई गलती होगी, भाई 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 हमें माफ कर दो भाई, भाई गलती होगी कमाल। क्या हुआ? बहुत हो गया जगदम्बा जी, बहुत हो गया इंतजार। पानी अब सर से ऊपर निकलता जा रहा है। रूलिंग पार्टी ने तो हमें मंत्री बनाने का भी वादा किया था। अरे माया जी, वादा करके भूल जाना तो सरकार की पुरानी आदत है। और अपने हक को छीनना ये माया सिंह की पुरानी आदत है। सरकार को गिराने की गणित लगानी शुरू कर दीजिए आप। मंत्री पद से नीचे अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। देखो सर, कौन है? जाके ढूंढो उसे। आजकल पुलिस ससुरी कुछ ज्यादा ही धान बोए हैं। अड्डी पर मुझ पे 3 दफे हमले भी हो चुके हैं, और तो और मेरे गिरोह के कई लोग अब मारे जाने लगे हैं। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, मंत्री बनने की ही जोड़ तोड़ में लगे हुए थे हम। मंत्री बन जाएं तो रेड्डी का ट्रांसफर यहाँ करा देंगे, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। और एक बात। हाँ बोलिए। आप हमें राजनीति में लाने की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? अरे उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए आप, हमें मंत्री बन जाने दीजिए। राजनीति में जब मर्जी होगा चले आइएगा, रास्ते सब खुल जाएंगे आपके लिए। ठीक है माया भाई, ध्यान रखिएगा। ये बताइए कि मूते कहाँ?
सरकार यही मुंह दीजिए ना। अरे आप तो अभय सिंह जी हैं, कहीं पे भी मुंह सकते हैं। संजना, मैं जानता हूं जब दिल टूटता है तो बड़े तूफान उठते हैं, बड़ी तबाही मचती है, लेकिन किसी किसी प्यार की यही तकदीर होती है। हाँ, मैंने दिल दुखाया है तुम्हारा, लेकिन फिर भी ये याद रखना, सूरज में अभी भी रोशनी बाकी है। फर्क सिर्फ ये है तुम उसकी ओर पीठ करके खड़ी हो। संजना, मैं प्यार ना कर सका, साथ तो दे सकता हूं। देखो कोई आंसू नहीं है चेहरे पे। कोई बात नहीं अजय, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, अभी आंसू नहीं निकलेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ ही रहोगे। लेकिन सर, पापा को मैं समझा लूंगी, दामाद नहीं तो एक बेटा बनके तो रह सकते हो ना। चक्कर में मत पड़ो अभय, तुमको काहे दर्द हो रहा है? पूरे गिरोह को बचाने के लिए हम एक बात तुमसे छुपा ली, लल्ला और पूनम को। लल्ला और पूनम को क्या? सरिता नहीं भगाया था। इतना बड़ा धोखा सरिता कैसे दे सकती है हमको? तुमको हासिल करने के खातिर, ताकि तुम गुस्से में खत्म कर दो पूनम को। अरे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हेलो, इसी तरफ आ रही है, घेर लो उसे। संजना, संजना, सब संजना, आंखें खोल बेटा, आंखें। अजय,
अब तू क्या? मैं तुझे जिंदा जलाऊंगा। सर, मैं पुलिस को फोन करता हूं। नहीं, पुलिस को नहीं। It was personal, Papa. Very, very personal. जिसने आपको इस हाल में पहुंचाया, उसे भी तो समझना चाहिए कि जिंदगी सिर्फ एक धंधा नहीं, अपनी जगह बनाने के लिए किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। कभी कभी धक्का देने से गहरी चोट लग जाती है दिमाग पे। अजय, हाँ? संजना को मार दिया तूने? सब तुझ पर शक कर रहे हैं, डबराल सर भी तुझ पर शक कर रहे हैं। क्यों, क्यों किया तूने ये सब? ये सच नहीं है संजना। नहीं जेकब, ऐसा नहीं है। मैं क्यों मारूंगा संजना को? धर्म, धर्म को तो मैंने रोकने की कोशिश भी की थी। मेरी कोई गलती नहीं है। और कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। तू ये शहर छोड़कर भाग जाए जय, प्लीज। और मुझे भी जाने दे। और इसका सबसे ज्यादा फायदा अबे दद्दा, ओ दद्दा, अरे बाहर आओ, देखो माया सिंह का खबर रेडियो में आ रहा है। सरकार ने माया सिंह के समर्थन के लिए माया सिंह जी मंत्री हो गए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। फोन करके बधाई दे दे। अब आ गया बढ़िया टाइम। फोन काट दिया। फोन काट दिया? पहले तो ऐसा नहीं होता था। माया सिंह के मंत्री बनने की खबर हमको रेडियो पे मिली, वो नहीं फोन कर सकता था? साला फोन भी नहीं उठा रहा। फोन उठा राम को। वो ठेका सब मिलेगा, सब मिल जाएगा। ये कहां से आ टपका? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे यहां आने का मतलब, मैंने तुमसे कहा था अगर हम दोनों को किसी ने साथ देख लिया तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, पानी। अपनी आवाज नीची करके हमसे बात करो। ये मत भूलो, तुम आज जो कुछ भी हो हमारी वजह से हो। ए अबे, गलत फहमी में मत रहना। अगर तूने हमारी मदद की है तो हमने भी तुम्हारी मदद की है। हमारा हिसाब बराबर हो गया है। हिसाब अभी बाकी है, याद नहीं? हमें राजनीति में लाने का वादा किए थे तुम। राजनीति? अरे भैया, वो तो हमारा मजाक था तुम्हारे साथ में। राजनीति तुम नहीं समझ पाओगे, तुम बच्चे हो बच्चे। हाँ, अब तुम चुपचाप यहाँ से निकलो। ए माया, हम अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी ही मर्जी से जाते हैं। जा 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 जा, मालूम पड़ जाएगा तुझे। रामजादे, सुखा आधा भरा,
चला हूँ मैं। अधूरी माया जी, ऐसी चर्चा है कि अभय जाधव के साथ आपका गहरा संबंध है। अरे ये अभय जाधव है कौन? हम किसी अभय जाधव को नहीं जानते। ये तो हमारे विरोधियों की चाल है जो हमारा नाम बदनाम करने में तुले हुए। क्या तुम उसे बदला लेना नहीं चाहोगी जिसने तुम्हें मरवाने के लिए इतनी गंदी साजिश रची? यही नाम जानने के लिए ही तो मैं जिंदा हूं। कौन है वो? अभय जाटो। हाँ बोलिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज जल्दी घर आ जाइए। अच्छा अच्छा आता हूँ। कल्पना, कल्पना, अबे साहब आप इतना घबरा काहे गए बे? पहले हमें देखते थे तो गले लगा लेते थे। नहीं नहीं अबे भाई, वो क्या है कि उम्मीद नहीं थी ना आप हमारे घर। उम्मीद तो हमें भी नहीं थी तुमसे ऐसी। तीन बंदूक ची क्या रख लिए, सोचे कि हम तुम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप अबे भाई, बताइए ना काम क्या है। पता लगाने आए हैं कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ। झूठ? कौन सा झूठ, कैसा झूठ? रेड्डी को फोन लगाओ। रेड्डी? और पूछो कि अभय जाटव का क्या हुआ। अभय जाटव? अरे इसके आगे अगर कुछ बोले तो कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे। अबे भाई आज आपको क्या हो गया है? मैं मुझे कुछ फोन लगाओ। अब फोन का भोपू चालू करो। जी सर। अब पूछो कि अभय जाटव का क्या हुआ। अभय जाटव का क्या हुआ? हाँ मैंने बोला ना, कुछ ही दिनों में उसकी लाश आपका सामने होगा। आप बेफिक्र रहो। माया सिंह! अरे रोक! माफ कर दो मुझे। आधा गीला आधा सूखा आधा भरा, आधा ही भूखा हूँ मैं, आधी खुशी आधा है गम आधा रुका, आधा ही चला हूँ मैं। तुम कहाँ जा रहे हो? अवध नारायण क्या, सरिता जेल से छूट गई है और वो वहीं पहुंचने वाली है। लेकिन अभय, माया सिंह के खून के बाद पुलिस तुम्हें बहुत बुरी तरह से ढूंढ रही है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है वहाँ पे। हमें जाना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अभय, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। पागलपन मत करो, तुम यहाँ रह के सबका ख्याल रखो। तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। कुछ नहीं होगा हमें, हमने फैसला कर लिया है कि हम सारा खजाना सब लोगों में बराबर बराबर बांट देंगे और फिर आत्मसमर्पण करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, तुम्हारे साथ, अपने होने वाले बच्चे के साथ। अपना ख्याल रखना। हम जल्दी आएंगे। ओ पापा, आप भी क्या पेपर लेकर बैठ गए? न्यूज पढ़ना
बहुत जरूरी है। देखो, डबराल सीईओ सस्पेंडेड। हर्षवर्धन डबराल हैज टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ हिज सीईओ मिस्टर अजय, कोटिंग रीजंस दैट देयर वर एक्टिविटीज डिसलॉयल, देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड एनी अटेम्प्ट्स मेड टू मीट विद मिस्टर अजय वर अनफ्रूटफुल एंड ही इज प्रिज्यूम्ड अब्सकाउंडिंग। अब्सकाउंडिंग बेचारा फंस गया। What do you mean फंस गया पापा? उसने जरूर कुछ गलत किया होगा, इसलिए तो डबराल ने उसे निकाल दिया। नहीं बेटी, बात कुछ और होगी। ये लड़का कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। वो गए, गलत हाथों का पैदा बन गया। क्या सोच रही हो बेटी? कुछ नहीं पापा, बस यही सोच रही थी कि सच्चाई देर से क्यों समझ में आती है। सच्चाई तो सरिता को भी तभी पता चली जब उसकी मुलाकात अभय से हुई कि सरिता की गिरफ्तारी के पीछे अभय नहीं रेड्डी था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरिता पुरानी बिल्डिंग की तरफ जा रही है सर, ओवर एंड आउट। वो बिल्डिंग के अंदर जा रही है सर। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो बाबा। अटैक ग्रुप वन बाबा। तुम यहीं बैठो। मैं देखता हूं सालों को।
सरिता, चलो सरिता यहां से निकलते हैं। अजय के साथ इतना कुछ हो गया और तुम्हें पता ही नहीं? तुम तो बहुत करीब थी उसके, है ना? पर अब क्या फायदा? क्या फायदा? डबराल हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुका है। देखना, देखना उसे नहीं छोड़ेगा वो। अरे प्लीज कुछ तो बताओ, वो कहाँ गया होगा? देखो, जब भी वो बहुत परेशान होता है तो वो अपनी माँ की समाधि पर जाता है। शायद वो माँ की समाधि। अरे प्रिया, बाबा 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 बाबा, मैं कैसे हो गया बाबा 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 जाटव का पुलिस मुठभेड़ में खात्मा? इसका मतलब मैं डकैत अभय जाटव का बेटा हूं और बाबा बाबा बाऊजी का ही आदमी था। बेटा देखना, जब वक्त आएगा तो तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। अजय, यू अजय, चल चल चल, छोड़ो मुझे। सर, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं सर? क्योंकि तूने मेरी बेटी को धोखा दिया, बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया। सर, मैंने संजना को नहीं मारा। मैंने वो फोटोग्राफ देखे हैं कमीने। सर, वो किसी की चाल है सर। झूठ बोल रहा है तू। नहीं सर, इस शहर में जो कुछ अचीव किया आपकी बदौलत, बाप को देखा नहीं, सब कुछ आप ही को माना है सर। बंद कर अपनी नौटंकी। तूने संजना को तो धोखा दे दिया लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता कमीने। तुम जिंदा हो? हाँ जिंदा हूं। ऐसे कैसे मर सकता हूं? हाँ, जब तक कि तुम्हारे इस अजय को ना मार दूं, ये मेरा शिकार है। पर इससे पहले तू मरेगा डबराल। तू मुझे मारेगा? मुझे? मारना तो नहीं चाहता था पर क्या करूं, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारी कंपनी के लीगल इलीगल काम सारे मैं करूं और सीईओ इस अजय को बना दिया।
संजना को बचपन से मैं चाहता रहा और उसका हाथ भी तुमने ही अजय के हाथ में थमा दिया। साले प्रिया को मैं लेकर आया था और उसे भी तोड़ा ले गया। यानी कह रहा है कौन गया? धर्म, दुनिया का सबसे बड़ा क्यों है ना? पर धर्म ऐसा कैसे होने दे सकता है? और इससे बदला लेने की खातिर तूने वो फोटोग्राफ्स मुझे भिजवा दिए। बदला तो वैसे मैं उसी दिन ले चुका होता अगर ऐन मौके पर संजना को मेरी प्लानिंग का पता नहीं चलता। बिचारी, इसकी जगह वो बेमौत मारी गई। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरे होने अजय, तुम मिल गए। थैंक गॉड। मुझे माफ कर दो अजय, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई लव यू अजय, आई लव यू वेरी मच। होल नाइट पार्टी करेंगे तेरे पाप का क्या, टल्ली होके गिर पड़ेंगे तेरे पाप का क्या। होल नाइट पार्टी करेंगे तेरे पाप का क्या, चल्ली होके गिर पड़ेंगे तेरे पाप का क्या। बोल बाला अपना, बोल बाला, बोल बाला अपना, बोल बाला। Come on friends, put your hands in the air, whole night scream and shout करो, कार का शीशा डाउन करके म्यूजिक थोड़ा लाउड करो।
अपना बोल बाला, बोल बाला, अपना बोल बाला। फुल ऑन मस्ती, फुल टशन, विस्की ज्यादा, सोडा कम। Full on mercy, full passion.